हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल स्टडी एंड एनालिसिस। हमने बहुत से टॉपिक्स ज्योग्राफिक के अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक हम कंप्लीट आज एक एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट मैप एनालिसिस करेंगे और हर एक चीज़ को मैप में बिल्कुल डीपली देखेंगे। बहुत से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मैप से ही बन जाते हैं। शुरू करने से पहले एक कोट के ऊपर नज़र डालते हैं। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील वैन यू अचीव इट। तो इट इज़ वेरी मच ट्रू फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा मेहनत किसी चीज़ के लिए करते हैं, जब आप उस चीज़ को पा लेते हैं तो आपको उतनी ही अच्छी एक बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग उस टाइम आती है और आपके अंदर आगे भी अच्छा काम करने की आप में जो है एक मोटिवेशन जो है रहती है। सो बी हार्ड वर्क एंथुसियास्टिक। सो लेट अस बिगेन। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बहुत से जो है आप कमेंट में मैप के बारे में पूछते रहते हैं, मैप कहाँ से डाउनलोड किया, तो आप ऐसा कीजिए मेरे को अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए कीजिए, मैं आपको ईमेल कर दिया करूँगा ये मैप। बिकॉज अगर मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको डालता हूँ तो इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, तो आप मेरे को ईमेल एड्रेस सेंड कर दें तो ये काफ़ी अच्छा मैप रहता है और इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मैप यूज़ करें ज्योग्राफी पढ़ते टाइम। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अगर ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट रहती है लाहौल स्पीति से। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, लाहौल स्पीति जो है नॉर्थ मोस्ट जो है स्टेट रहती है, नॉर्थ मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जो रहती है हमारी, ये लाहौल स्पीति जो है रहती है। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा मियार ग्लेशियर, ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये रहा मियार ग्लेशियर। ये जो है लाहौल स्पीति में रहता है और इसी से ही हमारा ये जो है मियार जो है, इसी मियार ग्लेशियर से जो है हमारा मियार नाला जो है निकलता है और ये मियार नाला जो है आपके उदयपुर में जो है आपके चिनाब रिवर के साथ जो है मिल जाता है। इसमें चंद्रभागा लिखा हुआ है चिनाब रिवर, तो ये भी आप ध्यान रखें। जो आपका मियार ग्लेशियर है वो लाहौल स्पीति में रहता है, मियार ग्लेशियर से आपका मियार नाला निकलता है और वो जो है उदयपुर में जो है हमारी चिनाब रिवर से जो है मिलता है। लाहौल स्पीति का आप फ्रेंड्स ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट रहती है हिमाचल प्रदेश की। लाहौल स्पीति का जो एरिया रहता है वो जो है 13,841 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है, ये भी आप ध्यान रखें, और सबसे बड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट ये हमारे हिमाचल प्रदेश की रहती है। और एक बात जो आपने फ्रेंड्स ध्यान रखनी है, आप मेरी सेंसस की वीडियो भी उसके लिए देख सकते हैं, इसकी एक जो खास बात रखिए, 2001 से 2011 के बीच में लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रही है वो जो है नेगेटिव रही है, -5% से जो है लाहौल स्पीति की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है। एरिया सबसे ज़्यादा है लाहौल स्पीति का लेकिन पॉपुलेशन जो है सबसे कम जो है हमारे लाहौल स्पीति की रहती है, और इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बहुत कम रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है लाहौल स्पीति की जो है 2 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे बुद्धिस्ट रहते हैं वो लाहौल स्पीति में ही हमारे रहते हैं। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, नीलकंठ लेक विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीलकंठ लेक जो है हमारी लाहौल स्पीति में रहती है, मैं आप देख सकते हैं नीलकंठ लेक, तो नीलकंठ लेक भी जो है हमारे लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। देन आफ्टर पतन वैली भी लाहौल स्पीति में जो है हमारी लोकेटेड रहती है, ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं पतन वैली। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, पतन वैली हो गई, नीलकंठ लेक होगी, ये जो है लाहौल स्पीति में रहती है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे तारशालमू जो आपका पास रहता है, 5,358 मीटर की ऊंचाई पर ये जो रहता है तारशालमू जो दर्रा रहता है ये भी लाहौल स्पीति में रहता है। तो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में तारशालमू दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो तारशालमू पास या तारशालमू दर्रा जिसकी जो एल्टीट्यूड रहती है, जिसकी हाइट जो रहती है 5,358 मीटर रहती है, ये भी हमारे लाहौल स्पीति में रहता है। इसके ऊपर ही अगर आप डिस्कस करें तो ये रहता है शिनकुन दर्रा जो है लाहौल स्पीति और जेएनके के बीच में रहता है शिनकुन दर्रा, जिसकी ऊंचाई जो है 5,098 मीटर जो है रहती है,
तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, तारा शालमू दर्रा और सिनकुन दर्रा ये जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहती है, और एल्टीट्यूड जो है तारा शालमू पास की 5,358 मीटर रहती है, और सिनकुन ला और सिनकुन ला दर्रा की जो एल्टीट्यूड रहती है ये जो है 5,098 मीटर जो है रहती है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं सूरज ताल लेक। तो सूरज ताल लेक जो है हमारी बारालचा दर्रा के साथ रहती है। बारालचा दर्रा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बारालचा दर्रे की जो हाइट रहती है जो है 4,830 मीटर जो है रहती है। तो ये जो सूरज ताल लेक जो रहती है और बारालचा ये जो दर्रा रहता है 4,830 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो है भागा रिवर का जो है सोर्स रहता है। और अगर आपने मेरी चिनाब रिवर की वीडियो देखी होगी तो भागा और चंद्रा रिवर तांदी में मिलकर जो है चंद्रभागा चिनाब रिवर का निर्माण करते हैं। यह आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसके पास ही हमारे चंद्रताल लेक रहती है, और यहाँ से जो हमारे चंद्रा रिवर जो है निकलती है। तो ध्यान रखें बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो हमारे लाहौल स्पीति में रहता है, और ये जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसी से जो है हमारी चंद्रा रिवर जो है निकलती है। और ये आप हम स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं ये भागा रिवर। ये रही भागा रिवर, और चंद्रा और भागा रिवर जो रहती है ये जो हमारी तांदी में जो है मिलती है, और तांदी से जो है ये जो है हमारे चिनाब रिवर का जो है निर्माण करती है। तांदी को आप अपने मैप में देख सकते हैं। और ये रहा केलोंग। केलोंग जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहता है लाहौल स्पीति का, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,350 मीटर जो है। वेरी फेमस पतन वैली भी हमारे लाहौल स्पीति में रहती है, और वन इंपॉर्टेंट थिंग ये जो रहती है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है लाहौल स्पीति में ही लोकेटेड है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल आई रिपीटेड 2,760 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है लोकेटेड है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने कुछ मोनेस्टेरीज देख पा रहे हैं। शाशूर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट भी हमारे लाहौल स्पीति में ही रहते हैं, और ये रही तयूल मोनेस्टेरी। ये रही आपके गुरुघंटाल मोनेस्टेरी। फिर इसके आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं खारदुंग मोनेस्टेरी। ये किलोंग के ही पास रहते हैं, इसी के पास रहती है हमारी शिशु मोनेस्टेरी। फिर यहीं पर एक आपकी चोटी रहती है गेपनगो, और गेपनगो चोटी की जो हाइट रहती है ये जो है समुद्र जल से जो ऊंचाई रहती है गेपनगो की ये जो है 5,870 मीटर जो है रहती है। यहीं पर ही हमारे पास रहता है टेम्पोला पास। टेम्पोला पास भी जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहता है, और समुद्र तल से जो ऊंचाई 4,930 मीटर रहती है टेम्पोला पास। ध्यान रखें 4,930 मीटर की ऊंचाई पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मलकिला पीक। मलकिला पीक भी हमारे लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, और इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 6,517 मीटर जो है रहती है। ये आप देख सकते हैं तोपको गोम्पा, ये चंद्रा रिवर का ऑरिजिनेट रहता है यहाँ पर। फिर तोपको ऊपर तोपको योंगपा है, नीचे तोपको गोम्पा है, तोपको से आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। और यहीं पर नीचे हमारी रहती है चंद्रताल लेक, जिसकी समुद्र तल से जो है ऊंचाई 4,270 मीटर रहती है, और यहाँ से आपकी जो है चंद्रा रिवर निकलती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं इट इज़ लाहौल वैली, और ये रहती है आपकी स्पीति वैली। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई कौन सा दर्रा जो है लाहौल वैली और स्पीति वैली को सेपरेट करता है। तो जो कुंजुम जो दर्रा रहता है हमारा, ये आप अपनी स्क्रीन के सामने कुंजुम दर्रा को देख पा रहे हैं। कुंजुम पास जो कि 4,551 मीटर की जो है ऊंचाई पर रहता है, कुंजुम पास जो है सेपरेट करता है हमारे लाहौल वैली और स्पीति वैली को। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, कुंजुम पास जो कि 4,551 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये जो हमारे लाहौल वैली और स्पीति वैली को जो है सेपरेट करता है। ये आप अपने मैप के सामने देख पा रहे हैं ये जो इंद्रासन। तो इंद्रासन जो पीक रहती है जो कि 6,220 मीटर की ऊंचाई पर जो है रहती है, ये भी हमारे लाहौल स्पीति में लोकेटेड है इंद्रासन। ध्यान रखें इंद्रासन पीक जो है हमारे लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। ये हमारे कुंजुम का पास के साथ लोकेटेड है हमारा लोसर, और लोसर में भी हमारी एक मोनेस्टेरी रहती है। तो 4,079 मीटर की ऊंचाई पर ये लोसर रहता है, और यहाँ पर जो है एक मोनेस्टेरी यहाँ पर भी लोकेटेड है। यहाँ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के साथ आप देख पा रहे हैं सारचू पीक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है सारचू पीक किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो सारचू पीक जो है हमारी
लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहती है, और समुद्र तल से जो इसकी एल्टीट्यूड जो है 5,741 मीटर जो रहती है, 5,741 मीटर। ये लामा गुरु, ये प्लेस भी, लामा गुरु भी जो है हमारे लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, और ये यहाँ से जो है टूले रोड जो है जाता है बाय लाहौल स्पीति। उसके बाद ये आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं टोकिंगला। एल्टीट्यूड इनकी भी नियर अबाउट 4,200 से 4,500 के मीटर के बीच में रहेगी टोकिंगला। एल्टीट्यूड इनकी नहीं दी हुई है इसमें, तो टोकिंग दर्रा ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये भी लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। फिर इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर परांग दर्रा, परांग पास, ये भी लाहौल स्पीति में लोकेटेड रहता है। फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं किबर, कीबर की जो एल्टीट्यूड रहती है 4,205 मीटर रहती है। फिर इसके नीचे रहती है वेरी इंपॉर्टेंट काई मोनेस्टेरी। और फ्रेंड्स एक बार एग्जामिनेशन में यही पूछ लिया गया था कि काई मोनेस्टेरी किस स्टेट में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वहां पर स्टेट ही पूछ लिया था कि काई मोनेस्टेरी किस स्टेट में है, और मैक्सिमम ने वहां पर सिक्किम असम के साथ चले गए होंगे, मणिपुर मिजोरम वैसे वैसे ऑप्शन वहां पर हो सकते हैं, और वो गलत हो जाता है। वैसे काई मोनेस्टेरी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आई रिपीटेड, काई मोनेस्टेरी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोकेटेड रहती है। नीचे रहता है काजा, इसके बाद जूम आउट करूं मैं तो ये रहता है नीचे कुंगरी, यहाँ पर मोनेस्टेरी रहती है। यहाँ पर रहती है आपकी पीन वैली, पीन वैली, लिंगती वैली, पटन वैली, ये सारी की सारी लाहौल स्पीति में रहती है। पीन वैली देख सकते हैं आप, पीन वैली, ये रही लिंगती वैली। तो लिंगती वैली जो है हमारी लिंगती रिवर के द्वारा बनाई जाती है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लिंगती जो रिवर रहती है वो लाहौल स्पीति में फ्लो करती है, और लिंगती रिवर जो है, मैं आपको मैं बता देता हूँ, ये रही आपकी स्पीति रिवर और ये रही लिंगती रिवर। तो लिंगती रिवर जो हमारी स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है, और अतारगो, अतारगो और सचिलोंग, सची लिंग के पास जो है ये इसमें जो है मिल जाती हैं। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, लिंगती रिवर जो है ट्रिब्यूटरी रहती है हमारी स्पीति रिवर की, और स्पीति रिवर के साथ ये जो है अटारगो या नियर सची लिंग के पास जो है मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं ताबो, ताबो भी आपका लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो पिन वैली रहती है, इसे जो है लैंड ऑफ आइबेक्स एंड स्नो लेपर्ड का जो है इसे लैंड कहा जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस मैप को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चंबा के हम नॉर्थ में मूव करते हैं सबसे पहले, ये रहा चंबा का नॉर्थ, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पांगी वैली। पांगी वैली जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहती है, ध्यान रखें इसको, पांगी वैली इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, और सेरसंग पास, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरसंग पास हमारे चंबा और जेएनके के बीच में रहता है। सेरसंग पास ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, सेरसंग पास जो कि चंबा और जेएनके के बीच में रहता है। पांगी वैली में एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा रहता है जो कि रहता है साच दर्रा, साच पास, जिसकी जो एल्टीट्यूड है ये जो है 4,390 मीटर रहती है, 4,390 मीटर। ध्यान रखें फ्रेंड्स, साच पास वेरी इंपॉर्टेंट पास लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। साच पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, साच पास किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और 4,090 मीटर जो है इसकी जो है एल्टीट्यूड रहती है। ये आप देख सकते हैं दगल पास, कुछ एक पास जो है हमारे बाउंड्री पे लोकेटेड है चंबा और लाहौल स्पीति के, तो दगल पास जो है सबसे पहले आता है दगल पास, दगल पास जो है हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास तवानी पास, तवानी पास भी हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में लोकेटेड है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, दगल पास, तवानी पास, ये दोनों पास जो हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में लोकेटेड है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आता है गोरधार पास, गोरधार दर्रा, ये भी हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। गोरधार पास, ये मैं जूम आउट कर दूं तो ये रहा आपका चंबा, ये रहा आपका लाहौल स्पीति। तो ये जो गोरधार पास रहता है जिसकी एल्टीट्यूड जो है 5,150 मीटर रहती है गोरधार पास की, ये भी हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहते हैं। तो तीन पास सो फार हमने डिस्कस कर लिए, सबसे ऊपर है इनमें दगल पास, तवानी पास, गोरधार पास। तो ध्यान रखें, दगल पास, तवानी पास, गोरधार पास, ये जो है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ नीचे आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट द्राटी पास,
द्राटी दर्रा बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। द्राटी पास भी हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, या तो वहां पर ऑप्शन में आपके पास चंबा होगा या लाहौल स्पीति होगा, या दोनों ही पूछा जा सकता है। द्राटी पास इज लोकेटेड बिटवीन, तो ये जो है हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, और इसकी जो एल्टीट्यूड रहती है जो है 4692 मीटर जो है रहती है। तो ये आप ध्यान रखें, दगल पास, तवानी पास, गोधार पास, द्राटी पास, दे आर लोकेटेड बिटवीन चंबा एंड लाहौल स्पीति। उसके बाद एक और पास आता है जिसे कुछ एक छोनी पास, कुछ एक छैनी पास से भी प्रंशेड करते हैं। तो छोनी पास जो रहता है 413 मीटर की ऊंचाई पे जो है चंबा में रहता है, इट इज प्योरली लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, छोनी पास। उसके बाद नीचे आता है हमारे पास क्यान पास, क्यान दर्रा, क्यान दर्रा की जो एल्टीट्यूड रहती है जो है 4828 मीटर रहती है, और क्यान पास जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो इनको भी आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, आपका क्यान पास, छोनी पास, साच पास, ये जो प्योरली जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड रहते हैं। आई रिपीटेड, साच पास, छोनी पास, क्यान पास, ये क्यान पास, ये जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कुछ एक और पास जो कि चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहते हैं, ये रहा आपका कलीचो पास। कलीचो पास की जो समुद्र तल से ऊंचाई जो रहती है वो जो है 4800 मीटर रहती है, कलीचो पास। उसके बाद नीचे आता है आपका छोबिया पास, तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखें, कलीचो पास और छोबिया पास जो है लाहौल स्पीति और चंबा के बीच में रहते हैं। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट रहता है कुकती पास, 5040 मीटर की एल्टीट्यूड पर रहता है कुकती पास, ये भी हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है कुकती पास। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं जो पास जो है आपके चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहते हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास दगल पास, उसके बाद हमारे पास तवानी पास, उसके बाद गोरधार पास 5130 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, उसके बाद हमारे पास आता है द्राटी पास 4692 मीटर की ऊंचाई पर ये रहता है, फिर उसके बाद कलीचो पास, कलीचो पास की जो एल्टीट्यूड रहती है 4800 मीटर रहती है, उसके बाद हमारे पास छोबिया पास 4966 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, और कुकती पास। तो ये जितने भी पास रहते हैं ये चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, दगल पास, तवानी पास, गोरधार पास, द्राटी पास, कलीचो पास, छोबिया पास और कुकती पास, ये जो है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहते हैं। चंबा में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं चमेरा लेक, तो चमेरा लेक भी आपके जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड रहती है। चमेरा लेक ध्यान रखें, चमेरा लेक जो है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम मैप में जूम करें तो ये रहा आपका खजियार, एक हजार 951 मीटर की ऊंचाई पर खजियार। खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, खजियार खजियार जो कि हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता है, खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भी, हु कॉल्ड खजियार मिनी स्विट्जरलैंड, तो विली टी ब्लेजर, तो विली टी ब्लेजर जी ने जो है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, खजियार, खजियार इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड, और इनको खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड जो है विली टी ब्लेजर जी ने कहा था। खजियार के नीचे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस आता है डलहौजी, ये दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस रहते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिवर फ्लो करती हैं, राबी और चिनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं भरमौर 2196 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। भरमौर को जो है 84 मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है, और ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। लामा डल लेक 3960 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। मणि महेश लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक रहती है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, मणि महेश लेक, और एल्टीट्यूड जाती है मणि महेश लेक की 3970 मीटर जो है रहती है। ध्यान रखें 3970 मीटर जो है एल्टीट्यूड मणि महेश लेक की रहती है, और ये भी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड रहती है। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कैलाश पीक, तो कैलाश पीक जो कि 5656 मीटर की एल्टीट्यूड के ऊपर रहती है, ये भी हमारे कैलाश पीक भी जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। अब उन दर्रों को देख लेते हैं जो कि हमारे चंबा और कांगड़ा के बीच में रहते हैं। यह आपका कांगड़ा रहता है नीचे धर्मशाला, कांगड़ा में जो आपके रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये मैं जूम कर देता हूँ, सबसे पहले आता है इसमें ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं गसूत्री पास। गसूत्री पास जो है 4586 मीटर की ऊंचाई पर जो है रहता है, और ये जो हमारे चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में रहता है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास इंद्राहर पास, इंद्राहर पास भी जो हमारे चंबा और कांगड़ा के बीच में रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास
तलांग पास जो 4,640 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये भी हमारे चंबा और कांगड़ा के बीच में रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास सिंजोरा दर्रा, सिंजोरा दर्रा भी हमारे कांगड़ा और चंबा के बीच में रहता है, 4,310 मीटर की जो है एल्टीट्यूड पर जो रहता है सिंजोरा पास। उसके बाद वारू दर्रा भी जो है हमारे 4,573 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, चंबा और कांगड़ा के बीच में रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास गैरू पास, 4,660 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, गैरू पास जो है कांगड़ा में ही रहता है आपका। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास निकोरा पास, वेरी इंपॉर्टेंट, निकोरा पास जो 4,750 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, और ये भी चंबा और कांगड़ा के बीच में रहता है। इसके बारे में पूछा जा चुका है पहले भी, निकोरा पास 4,750 मीटर की ऊंचाई पर रहता है चंबा और कांगड़ा के बीच में। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आई रिपीटेड फ्रेंड्स, गासुत्री पास, इंद्राहर पास, तालांग पास, सिंजोरा पास, वारू पास और निकोरा पास, ये जो है हमारे चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में रहते हैं। गासुत्री पास, इंद्राहर पास, तालंग पास, सिंजोरा पास, वारू पास और निकोरा पास, ये जो हमारे चंबा और कांगड़ा के बीच में लोकेटेड रहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास के दर्रे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में लोकेटेड रहता है, और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जाता है, विच इज आशा गली, वेरी इंपॉर्टेंट पास आशा गली। आशा गली जो है 5,030 मीटर की ऊंचाई पर जो है रहता है, और आशा गली जो है लोकेटेड रहता है बिटवीन कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति। आई रिपीटेड, आशा गली एल्टीट्यूड जो रहती है इसकी 5,030 मीटर रहती है, और आशा गली जो है हमारे लाहौल स्पीति और कांगड़ा के बीच में रहता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आशा गली 5,030 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में जो है ये पास लोकेटेड रहता है। अब थोड़ा सा कांगड़ा के बारे में थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, तो यहीं से ही शुरुआत करते हैं। बड़ा बंगाल, तो बड़ा बंगाल से जो है हमारी रावी रिवर जो है ऑरिजिनेट करती है, बड़ा बंगाल से, ध्यान रखें इस बात को। बड़ा बंगाल जो है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है, जहाँ से आपकी चिनाब रिवर जो है ऑरिजिनेट करती है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं थमशर पास, थमशर दर्रा जो है प्योरली आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है, थमशर दर्रा और गैरू दर्रा की जो एल्टीट्यूड रहती है वो 4,660 मीटर रहती है, और थमसर दर्रा की जो एल्टीट्यूड रहती है वो 4,700 मीटर रहती है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ग्यारू दर्रा और थमसर दर्रा ये दोनों के दोनों प्योरली कांगड़ा में जो है हमारे लोकेटेड रहते हैं। इसके बाद बिलिंग, बिलिंग भी हमारे कांगड़ा में लोकेटेड रहता है, और ये जो है पैराग्लाइडिंग के लिए जो है फेमस रहता है। 2015 का जो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग जो वर्ल्ड कप रहा था वो जो है हमारे बिलिंग में हुआ था। 2015 का जो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग जो कप था वो जो है हमारे वर्ल्ड कप जो था ये जो है हमारे बिलिंग में जो है हुआ था, और इसको जीता था हमारे स्विट्जरलैंड के माइकल कुफर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कभी भी, 2015 का जो पैराग्लाइडिंग कप था उसको जो है माइकल कुफर, और ये मेंस कैटेगरी में, और जो जापान की मारी रहती हैं यूकी शाटो, समथिंग ऐसा नाम था इनका, यूकी शाटो, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो सॉरी, यूकी शाटो, ये हमारे वुमेन्स कैटेगरी में उन्होंने जीता था। ध्यान रखें, माइकल कुफर ने मेल्स कैटेगरी में 2015 का वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कप जीता था, और यूकी शाटो ने जो है वुमेन कैटेगरी में जो ऐसे जीता था। मतलब पालमपुर, उसके बाद बैजनाथ, ये सारे के सारे हमारे कांगड़ा के फेमस प्लेसेस रहते हैं। हम थोड़ा मैप बेस्ड डिस्कस करेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चामुंडा देवी टेम्पल भी हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है रहता है, उसका धर्मशाला, धर्मशाला का पुराना नाम भागसूनाग है, और भागसूनाग टेम्पल भी यही रहता है, भागसूनाग टेम्पल एज वेल एज भागसूनाग लेक, दोनों दोनों धर्मशाला में रहती है। मैकलोडगंज, मैकलोडगंज भी हमारे यही रहता है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है, यही भागसूनाग में एक जो है हमारा भागसूनाग वाटरफॉल भी रहता है, तो भागसूनाग से आप रिलेट कर सकते हैं, सारे सारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद दो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स रहती है, एक करेरी लेक और एक डल लेक। तो करेरी लेक एज वेल एज डल लेक दोनों दोनों हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लोकेटेड रहती है, करेरी लेक एज वेल एज डल लेक।
तो ये भी आप ध्यान रखें, करेरी लेक एज वेल एज डल लेक, ये जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। मिनकियानी पास, मिनकियानी दर्रा जो कि 4268 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये भी हमारे चंबा और कांगड़ा के बीच में रहता है। मिनकियानी पास ध्यान रखें फ्रेंड्स, मिनकियानी पास, गसुत्री पास, इंद्राहर पास, ये सारे के सारे जो है हमारे चंबा और कांगड़ा के बीच में लोकेटेड रहते हैं। महाराणा प्रताप सागर जो कि ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये भी हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड रहता है महाराणा प्रताप सागर। दादा सिबा ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहता है जो कि आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ज्वालाजी, ज्वालाजी में हमारे ज्वालाजी गोडेस जी का टेम्पल रहता है, ज्वाला माता का टेम्पल रहता है यहाँ पर ज्वालाजी में। अब मूव करते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ओर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं मैप के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप मुखर बे, ये जो आपकी चोटी रहती है, ये जो देखिए आप कुल्लू लाहौल स्पीति की बाउंड्री पे रहती है मुखर बे। उसके बाद दशहर लेक 4200 मीटर की एल्टीट्यूड पे रहती है, दशहर लेक जो है कुल्लू में लोकेटेड रहती है। दशहर लेक, ब्यासकुंड लेक जो कि आपका ओरिजिन पॉइंट रहता है आपके ब्यास रिवर का, ब्यास रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है ब्यासकुंड से। उसके बाद हमारे पास रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। रोहतांग दर्रा 3978 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, इसकी एल्टीट्यूड भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ध्यान रखें रोहतांग पास ये जो है 3978 मीटर की ऊंचाई पर रहता है और ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसके बाद सोलंग बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस रहता है। उसके बाद भृगु लेक, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स भृगु लेक, दशहर लेक, ये सारी सारी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहती है, 4240 मीटर की ऊंचाई पर ये भृगु लेक रहती है। उसके बाद विशिष्ट, सिस्ट में आपके गनपानी के चश्मे रहते हैं। उसके बाद मनाली, मनाली बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस रहता है जो कि कुल्लू में लोकेटेड है। जगत सुख, फिर नगर भी हमारे कुल्लू में लोकेटेड रहता है नगर। उसके बाद चंद्रखानी पास, चंद्रखानी पास जो कि 3660 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, चंद्रखानी दर्रा ये भी लोकेटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मलाना, मलाना में बहुत ही फेमस टेम्पल रहता है ऋषि जमदग्नि जी का, और इनको प्रसन्न करने के लिए चांदी से बना घोड़ा चढ़ाया जाता है। उसके बाद मणिकर्ण, मणिकर्ण में भी हमारे गर्म पानी के चश्मे रहते हैं। उसके बाद कसोल बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस रहते हैं। पार्वती वैली, पार्वती वैली जो है पार्वती रिवर के द्वारा बनाई जाती है। ध्यान रखें जो भी आपके ये मणिकर्ण, खीर गंगा, ये सारे के सारे जो आपके पार्वती रिवर के किनारे पर बसे हुए हैं। और पार्वती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, पार्वती रिवर जो है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मानतलाई लेक से जो है ओरिजिनेट करती है। मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, मानतलाई लेक से जो आपकी पार्वती रिवर ओरिजिनेट करती है। खीर गंगा हो गया, मणिकर्ण हो गया, ये पार्वती रिवर के किनारे पर, ये नहीं आपकी पार्वती वैली। फिर खुली गलू, खुली गलू ये जो दर्रा रहता है ये भी आपके 3440 मीटर एल्टीट्यूड पे जो ये जो रहता है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। उसके बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं द्योटीबा, 6000 मीटर की ऊंचाई पर द्योटीबा, ध्यान रखें ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। उसके बाद सारामुगा ग्लेशियर, सारामुगा ग्लेशियर हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड रहता है सारामुगा ग्लेशियर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की एक जो खास बात रहती है, इसको जो है जून 2014 में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में जो इसको डाला गया था। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसके बारे में पूछा जा सकता है भी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को कब जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, तो ये जून 2014 में जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। शिमला कालका रेलवे ट्रैक को जो 2008 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा माइंड रखें। उसके बाद श्रीखंड महादेव, ये जो पीक रहती है 6227 मीटर की, थोड़ी सी मैप में थोड़ी सी गलत यहाँ पर लोकेट कर दी है, जो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहती है। अब उन दर्रों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में लोकेटेड रहते हैं। ये रहा ऊपर आपका लाहौल स्पीति, ये नीचे रहता है हमारा कुल्लू। तो कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में जो जो दर्रे रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहला था हमारे पास हमटा दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है हमटा दर्रा, हमटा दर्रा या हमटा पास जो कि 4268 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। ये जो हमारे लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में रहता है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, आई रिपीटेड फ्रेंड्स, हमटा दर्रा जो कि 4268 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये जो हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में जो है लोकेटेड रहता है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर मिलेगा आपको सारा उंगा दर्रा,
जो कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। सारामुंगा दर्रा, ये भी जो है हमारे लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में रहता है सारामुंगा दर्रा। और यहाँ नीचे रहता है हमारा पीन पार्वती दर्रा, तो नाम से ही पता लग रहा है पार्वती वैली और पीन वैली के बीच में जो दर्रा रहेगा इट इज पीन पार्वती दर्रा। ये पीन वैली जो हमारे लाहौल स्पीति में रहती है, तो पीन पार्वती दर्रा जो 5,300 मीटर की ऊंचाई पर ये जो रहता है, ये जो हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में जो लोकेटेड रहता है, इसे भी आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। पीन पार्वती दर्रा, आमता दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पीन दर्रा, फिर हमटा दर्रा आपका, फिर साराउंगा दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि आपके कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में लोकेटेड रहते हैं। रायसन भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। उसके बाद बिजली महादेव टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल रहता है जो कि हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। बिजली महादेव, रायसन, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहते हैं। भुंतर एयरपोर्ट जो कि रहता है हमारे हिमाचल प्रदेश का, वो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। फिर खुली गलू, ये भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। तीर्थन रिवर, ये आप देख सकते हैं तीर्थन रिवर, तीर्थन रिवर भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करते हुए बाद में ब्यास रिवर में ओट के पास जो मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है जलोड़ी पास, वेरी इंपॉर्टेंट पास, बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जलोड़ी पास। तो ये जो है 3,223 मीटर की ऊंचाई पर रहता है और इसी के पास में हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर रहती है सरोलसर लेक। तो ध्यान रखें सरोलसर लेक जो है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड रहती है, जलोड़ी पास हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। उसके बाद बाशलियो पास, तो बाशलियो पास 3,270 मीटर की ऊंचाई पर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। अब उन पास के ऊपर नजर डाल लेते हैं, उन दोनों के ऊपर नजर डाल लेते हैं जो कि हमारे कुल्लू और कांगड़ा के बीच में लोकेटेड रहते हैं। तो ये आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं टेंट उटका पास, टेंट उका पास, टेंट उका पास जो है 4,996 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो रहता है, ये जो हमारे कांगड़ा और कुल्लू के बीच में जो है रहता है, ध्यान रखें टेंट उका पास। और इसके नीचे तो मनाली पास जो कि आप जजमेंट लगा ही लेंगे, ये हमारे कुल्लू और कांगड़ा के बीच में रहता है, लेकिन ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंट उका पास, ये जो है हमारे कुल्लू और कांगड़ा के बीच में रहता है टेंट उका पास। अब हम मूव करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ये रहे आपका किन्नौर। तो रूपा वैली, सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, रूपा खड जो रहती है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, जो कि ट्रिब्यूटरी रहती है सतलुज रिवर की। और लारसा खड होगी, रूपा खड होगी, ये ट्रिब्यूटरी रहती है सतलुज खड की, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर रहता है रिकांगपियो में रहता है 2,290 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं, तो चांगो, चांगो में आपकी मोनेस्ट्री रहती है, ये जो है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है। उसके बाद नाको लेक, एकमात्र जो लेक रहती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, ये जो है आपकी नाको लेक रहती है। बहुत ही बार हम शिपकिला को डिस्कस कर चुके हैं, शिपकिला दर्रे से जो हमारी सतलुज रिवर जो है एंटर करती है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखें फ्रेंड्स, शिपकिला दर्रा हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में रहता है और यहाँ से जो हमारी सतलुज रिवर जो है एंटर करती है हमारे किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। और स्पीति रिवर और सतलुज रिवर हमारे खाब में मिलती है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, स्पीति रिवर और सतलुज रिवर जो है खाब में आपस में जो है मिलती है। ये स्पीति रिवर, ये सतलुज रिवर, तो ये जो है खाब में आपस में जो है मिलती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूपा खड, फिर लासा खड, ये जो है सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है। उसके बाद हम यहाँ नीचे बासपा रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये जो बासपा रिवर ये जो रहती है, ये जो है कच्छ में जाके जो है सतलुज रिवर के साथ मिल जाती है। तो कच्छम में बासपा या जिसको सांगला रिवर भी बोलते हैं, ये मीट करती है आपकी सतलुज रिवर के साथ। और कच्छ में ही फ्रेंड्स आपके शिप ब्रीडिंग फार्म रहता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 शिप ब्रीडिंग फार्म रहते हैं। फ्रेंड्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो 4 जो शिप ब्रीडिंग फार्म रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। एक रहता है हमारा ज्योरी में, जो कि शिमला में रहता है, ज्योरी शिमला में एक रहता है नंबर 1। दूसरा हमारा रहता है ताल हमीरपुर में, तीसरा रहता है सरोल चंबा में, शिप ब्रीडिंग फार्म सरोल चंबा, और चौथा रहता है हमारा करछम किन्नौर में। और एक और खास बात, जो लरी रहता है लाहौल स्पीति में, वेरी इंपॉर्टेंट, लरी जो रहता है लाहौल स्पीति का,
लरी जो रहता है लाहौल स्पीति का, वहां पर जो है हॉर्स घोड़ा एज वेल एज याक दोनों के ब्रीडिंग फार्म वहां पर रहते हैं। हॉर्स और याक ब्रीडिंग फार्म, हॉर्स और याक ब्रीडिंग फार्म जो हमारे लरी लाहौल स्पीति में रहते हैं। बाकी जो चार जो हमारे शिप ब्रीडिंग फार्म रहते हैं उसमें एक रहता है ज्योरी शिमला, ताल हमीरपुर, सरोल चंबा और करछम किन्नौर में। तो ये आप बिल्कुल रिमाइंड अप कर लें, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। किन्नर कैलाश चोटी जो कि 6050 मीटर एल्टीट्यूड पर रहती है, किन्नर कैलाश ये भी हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, किन्नर कैलाश चोटी। कुछ और दर्रे देख लेते हैं जो कि हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में रहते हैं, जिनमें एक फेमस रहता है शिपकिला जहाँ से सतलुज रिवर एंटर करती है। इसके नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्योबरंग दर्रा। ऐसे एग्जामिनेशन में इनके पूछे जाने की संभावना कम होती है, लेकिन ध्यान रखें क्योबरंग दर्रा हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में रहता है। उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास शिमदांग दर्रा, शिमदांग दर्रा भी हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में रहता है। उसके नीचे आ जाता है आपके पास किमोकूल दर्रा, किमोकूल दर्रा भी हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में आता है। उसके बाद एक और आता है हमारे पास यामरंग दर्रा भी हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में रहता है। तो ध्यान रखें शिपकीला, उसके बाद क्योबरंग दर्रा, उसके बाद शिमदंग दर्रा, उसके बाद किमोकूल दर्रा, उसके बाद यामरंग दर्रा, ये जो है हमारे किन्नौर और तिब्बत के बीच में जो लोकेटेड रहते हैं। शिपकीला तो फ्रेंड्स आप ध्यान ही रखें, वो शिपकीला से जो है हमारी सतलुज रिवर जो है एंटर कर दिया हमारे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कुछ एक दर्रे जो कि किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में रहते हैं, वो रहते हैं हमारे पास लमी दर्रा, किमले दर्रा, ब्राशु दर्रा, लामबगा दर्रा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है भी हमारे हिमाचल प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री जो हमारे तिब्बत या चाइना के साथ लगती है, तो दो ही डिस्ट्रिक्ट की लगती है, सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर, सिर्फ यही दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी हमारी जिनकी बाउंड्री जो हमारे तिब्बत या चाइना के साथ जो है लगती है। कुछ एक दर्रे जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले आता है भावा दर्रा, भावा दर्रा जो है हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में रहता है भावा दर्रा। भावा दर्रा के बाद आपके पास आ जाएगा लारसावा दर्रा भी हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में आता है। फिर उसके बाद गुनशरंग दर्रा भी हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में रहता है। उसके बाद मनीरंग दर्रा 5,335 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये भी हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में लोकेटेड रहता है। अब जो हमारी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट रहती है एरिया वाइज, जिसका एरिया जो 1,118 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है, उसको मीरपुर के देख लेते हैं। मीरपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारी बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल, जिसको दियोषित के नाम से भी जाना जाता है। वेरी फेमस टेम्पल है जो हमारे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड रहता है, शाहतलाई बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल दियोषित, ये मीरपुर में जो हमारे लोकेटेड रहते हैं। अब उन्ना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्ना जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ, ये भी आप ध्यान रखें। कांगड़ा भी शेयर करता है पंजाब के साथ। तो ये रहा आपका उन्ना। उन्ना की एक बहुत ही फेमस बात रहती है, यहाँ पर रहती है श्वान रिवर आपकी, और श्वान रिवर उन्ना को दो भागों में बांटती है, दो बराबर भाग नहीं सिर्फ दो भागों में डिवाइड करती है श्वान रिवर। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल रहता है चिंतपूर्णी टेम्पल। ओके अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कांगड़ा हो गया, फिर आपका उन्ना हो गया, ये दोनों दोनों जो है पंजाब के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। अब थोड़ा सा मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस प्लेसेस रहते हैं, जोगिंद्रनगर सबसे जो पुराना जो हमारा ओल्डेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो रहता है, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वो जोगिंद्रनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसके बाद ऊल रिवर हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, जो कि हमारे ब्यास रिवर की ट्यूबिटरी रहती है। पराशर लेक जो कि 2,730 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, ये भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस ये रहता है। डिवालसर लेक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक रहती है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की, 1,350 मीटर की ऊंचाई पर ये रहती है। फिर करसोग वैली, करसोग की इमला बिमला जो आपकी रिवर्स रहती हैं, और मैम से प्राशर लेक दी गई, ऐसे कमरूनाग लेक भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक फेमस जो है लेक रहती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक खास बात रहती है, सब सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक देखिए यहाँ पर आपके कांगड़ा के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा फिर यहाँ पर मीरपुर के साथ, फिर तीसरा नीचे बिलासपुर के साथ, चौथा सोलन के साथ, पांचवा शिमला के साथ, और छठा कुल्लू के साथ ये जो है अपना बॉर्डर जो है शेयर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। मंडी के बाद हम मूव करते हैं अपने कैपिटल शिमला।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी, शिमला जो है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कब बनी थी, समर कैपिटल कब बनी थी शिमला अंग्रेजों की, जो 1864 में बनी थी। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, इसे ध्यान रख लें, 1864 में शिमला जो है हमारे अंग्रेजों की जो है कैपिटल बनी थी, समर कैपिटल। सराहन, बशल पीक, बशल पीक बहुत इंपॉर्टेंट पीक रहती है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट की। कुछ एक दर्रे डिस्कस कर लेते हैं जो कि शिमला और किन्नौर के बीच में रहते हैं। इसमें आता है सबसे पहले सात थल दर्रा जो कि शिमला और किन्नौर के बीच में रहता है। उसके बाद बुरन दर्रा 2430 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये भी शिमला और किन्नौर के बीच में रहता है। फिर रूपीन पास, वह इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, शिमला और कांगड़ा के बीच में है। तो ये आप ध्यान रखने फ्रेंड्स, सत्थल दर्रा, बुरन दर्रा और रूपीन दर्रा, ये जो हमारे शिमला और किन्नौर के बीच में जो है रहते हैं। उसके बाद पब्बर वैली, पब्बर रिवर जो है हमारी ओरिजिनेट करती है चंद्रनाहन लेक से। चंद्रनाहन लेक वेरी इंपॉर्टेंट लेक, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो चंद्रनाहन लेक जो है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहती है। आई रिपीट, चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से आपकी पब्बर रिवर ओरिजिनेट करती है जो कि आपके पब्र वैली का निर्माण करती है। और चांसल घाटी, चांसल घाटी जो कि एल्टीट्यूड रहती है उसकी 4220 मीटर, ये भी आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहती है। तो चांसल घाटी और चंद्रनाहन दर्रे से हमारी पब्र रिवर जो है ऑरिजिनेट करती है। और पब्र रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी रहती है आपकी, पब्र रिवर जो है आपकी, पब्र रिवर क्या आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है? नहीं, पब्र रिवर जो है तौंस रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है, और तौंस रिवर अल्टीमेटली यमुना रिवर में मिलती है। ओके, और ये जो है त्यूनी में यहाँ पर जो है तौंस रिवर के साथ जो है मिल जाती है आपकी पब्बर रिवर। हाटकोटी फेमस प्लेस रहते हैं हमारे शिमला के, हाटकोटी रोहडू बहुत ही फेमस प्लेसेस ये रहते हैं। उसके बाद रामपुर, नारकंडा, हाटू पिक जिसकी अल्टीट्यूड 3136 मीटर, ये जो रहती है हाटू पिक, ये जो है आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहती है। उसके बाद तनी जुबर लेक भी हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेट रहती है। चंद्रनाहन लेक, तनी जुबर लेक, ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स जो है रहती हैं। उसके बाद नालदेहरा जो कि आपके गोल्फ के लिए फेमस रहता है, 2000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ये भी आपके शिमला में रहता है। शली पीक भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, नालदेहरा के ऊपर जो है गोल्फ का खेलता हुआ एक साइन बना हुआ है, तो ध्यान रखें नालदेहरा जो आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहता है जो कि गोल्फ के लिए बहुत ही फेमस है। यह आप अपने मैप में देख पा रहे हैं, गिरी रिवर जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है। उसके बाद मिन्नस खड जो कि रहती है हमारी, ये सारी सारी तौंस रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है। उसके बाद चैल, चैल में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात जो चैल की रहती है, यहाँ पर जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है क्रिकेट स्टेडियम रहता है चैल में। सबसे ऊंचाई पर स्थित वर्ल्ड का जो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित वर्ल्ड हाईएस्ट जो स्टेडियम रहता है वो आपके चैल में ही रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिरमौर के बारे में। सिरमौर जो हमारे एक खास बात रहती है, जो हमारी साउथर्न मोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रहती है सिरमौर, या आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं सिरमौर। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है जो कि मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, चूड़धार पीक। चूड़धार पीक जो है 3647 मीटर की एल्टीट्यूड पर रहती है, और ये जो हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेट रहती है। उसके बाद राजगढ़ वगैरह ये फेमस प्लेसेस रहते हैं हमारे सिरमौर के। जुब्बल रिवर और गिरी रिवर जो है हमारे सिरमौर में ही आपस में मिलती हैं, ददाहू के पास। ददाहू में अभी सीएम ने एक नया कॉलेज, डिग्री कॉलेज दे दिया है। तो जलाल रिवर जो है जो कि ट्रिब्यूटरी रहती है गिरी रिवर की, और गिरी रिवर अल्टीमेटली यमुना रिवर में मिल जाती है। तो जलाल रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी रहती है गिरी रिवर की, ये जो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्लो करती है, आप देख सकते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी जलाल जो रिवर रहती है फ्लो करती है। नाहन बहुत ही फेमस प्लेस रहता है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। काला आम, पौंटा साहिब, ये आपके प्लेसेस रहते हैं सिरमौर में। हरिपुर धार बहुत ही फेमस प्लेस रहता है सिरमौर का, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सोलन, सोलन में आपके नालागढ़, डालडा घाट वगैरह, ये आपके सोलन में रहते हैं। अर्की, अर्की सोलन में रहता है। ये प्लेसेस के बारे में पूछा जा सकता है भी, कौन सा प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। कसौली, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस कसौली, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस रहता है कसौली। और कसौली में जो आपके कुत्तों के काटने की और सांप के काटने की जो है दवाई बनाई जाती है कसौली में, तो ये आप ध्यान रखें कसौली जो आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है रहता है।
उसके बाद हम ऊपर मूव करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में फेमस नैना देवी जी का टेम्पल रहता है और गोविंद सागर लेक आपकी बिलासपुर में ही लोकेटेड रहती है। थोड़ा सा फ्रेंड अब लास्ट में इस मैप को भी देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने ध्यान में रखना है लाहौल स्पीति थोड़ा से बाहर को रहता है। हमारी जो नॉर्थन मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट रहती है वो लाहौल स्पीति रहती है और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल रहता है लाहौल स्पीति का रहता है 13,841 स्क्वेयर किलोमीटर। उसके बाद जो हमारी साउथ मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट रहती है वो सिरमौर रहती है। उसके बाद अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वो हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट रहती है। और उसके बाद अगर हम अपने वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है रहती है। ओके ओके अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले J&K के साथ हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच करती है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा चंबा, लाहौल स्पीति। ओके तो सिर्फ और सिर्फ चंबा और जो हमारे लाहौल स्पीति रहते हैं यही जो है हमारे जम्मू और कश्मीर के साथ जो है अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं चाइना के साथ या तिब्बत के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट हमारे बाउंड्री शेयर करती है, तो ये होगी आपकी लाहौल स्पीति और ये हो गया आपका किन्नौर। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि हमारे तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नीचे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ हमारी जो है तीन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती हैं, सिरमौर, शिमला एंड किन्नौर। तो शिमला, किन्नौर और सिरमौर ये हमारे उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूपी। तो एज फ्रेंड्स मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो मैंने आपकी यमुना रिवर की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारे यहाँ ये आप देख सकते हैं ना, ये रही आपकी यमुना रिवर। तो लैंड बॉर्डर तो यूपी के साथ नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा सिरमौर जो है इसके साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो यूपी के साथ कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारा लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। तो ये आप फ्रेंड्स ये आप हरियाणा को मैप में देख सकते हैं, ये रही हरियाणा की बाउंड्री हिसाब से। तो हरियाणा के साथ जो है दो डिस्ट्रिक्ट हमारे बाउंड्री शेयर करती है, सिरमौर और सोलन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के साथ दो डिस्ट्रिक्ट हमारी बाउंड्री शेयर करती है, सिरमौर और सोलन। उसके बाद हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ये रहा हमारा पंजाब। तो पंजाब के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं इसमें आ जाता है हमारे पास सोलन, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा। और चंबा भी जो है थोड़ा सा आपका बॉर्डर शेयर करता है आपके पंजाब के साथ। तो ध्यान रखें 1, 2, 3, 4 और 5, तो पांच ये डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, सिरमौर पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सिरमौर और सोलन हरियाणा के साथ शेयर करेंगे, पंजाब के साथ आपका सोलन, फिर बिलासपुर, फिर हमीरपुर, फिर कांगड़ा और चंबा, ये आपके पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। और हमारे जो लैंड बॉर्डर है वो सिर्फ फोर स्टेट के साथ टच होता है। एक रहा हमारे पास यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, और यहाँ पर थोड़ा सा साउथ ईस्ट में उत्तराखंड, साउथ में हरियाणा और यहाँ ईस्ट में हमारे पंजाब। ओके इस बात को भी आप फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एरिया वाइज फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखें, जो हमारा लाहौल स्पीति रहता है उसका एरिया जो है 13,841 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है, जो कि सबसे ज्यादा रहता है। ओके किलोमीटर स्क्वेयर। सेकंड नंबर जो है हमारे इसमें जो है किन्नौर का आता है। दो तीन आपको पता होना चाहिए भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है। सेकंड नंबर पे भी पूछा जा सकता है, किन्नौर का जो क्षेत्रफल है वो जो है 6,553 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है। किन्नौर के बाद जो हमारे पास जो नंबर आता है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का आता है। चंबा का जो क्षेत्रफल रहता है वो 6,528 रहता है। एच एस में बोला जा सकता है भी अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा लेकिन कंफ्यूजन करने वाला हो सकता है वो। उसके बाद हमारे पास आता है कांगड़ा। तो कांगड़ा का जो क्षेत्रफल रहता है ये जो है 5,739 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है। उसके बाद कांगड़ा के बाद हमारे पास नंबर आ जाता है कुल्लू का। कुल्लू का जो क्षेत्रफल रहता है वो जो है 5,503 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है। उसके बाद शिमला, शिमला का जो क्षेत्रफल रहता है वो हमारे पास 5,131 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है। उसके बाद बात नंबर आता है हमारे पास मंडी का। तो मंडी का जो रहता है वो 3,950 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है। तो मैं एरिया वाइज ही अरेंज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास लाहौल स्पीति, सेकंड पे किन्नौर, थर्ड पे चंबा, फोर्थ पे कांगड़ा, फिफ्थ पे कुल्लू, सिक्स पे शिमला और सेवन्थ पे मंडी। उसके बाद जब हम चलेंगे एट्थ नंबर पे, एट्थ नंबर जो आपके पास आता है वो आता है आपका सिरमौर का। और सिरमौर का जो एरिया रहता है वो जो है 2,825 स्क्वेयर किलोमीटर रहता है। सिरमौर के बाद आता है आपका सोलन का नंबर 1,938। उसके बाद आपके पास आता है ऊना 1,540
और उन्ना के बाद जो आपके पास आता हुआ था बिलासपुर, बिलासपुर का रहता है 1167 स्क्वेयर किलोमीटर, और 12th नंबर पे आपके पास आता है हमीरपुर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बीच में पूछी जाती है, तीन चार डिस्ट्रिक्ट को उठा लेंगे और उनको पूछा जाएगा भी इनका जो है आपका एरिया वाइज इनको अरेंज करें। और ये मेरी आईडी अनुसार ये कभी ना कभी एचएस में जरूर पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसके लिए आप तैयार बने रहें। दैट्स दी एंड ऑफ अवर वीडियो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। दलाई लामा जी ने भी कहा हमारा प्राइम पर्पस दूसरों की हेल्प करना होना चाहिए, और हम खुद ब खुद राइज करते हैं दूसरों की हेल्प करने से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन वीडियोस की, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।